इको पार्क का पूरा मैप है, तो गाइस देख पूरा सोलर से बना हुआ है, तो देख रहे हैं इसको कितने मस्त। उसमें भी वोटिंग कर सकते हैं, वो भी एक वोट। सो हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जा रहे हैं ब्लॉग बनाने, बहुत दिन से ब्लॉग बनाना बंद कर दिए थे, तो आज से फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। और अभी हम जा रहे हैं कोलकाता, एक बहुत ही मस्त जगह जिसका नाम इको पार्क है, और बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही मस्त पार्क है। तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी बन जाए, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन कुंतीघाट, और वहाँ से टिकट लेंगे हावड़ा का, फिर हावड़ा से। आज हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं कुंतीघाट स्टेशन पे, और हमारा ट्रेन का टाइम 10:40 में है, जो कि आता ही होगा 10:22 हो रहा है, और पता नहीं क्या हुआ है आज। तो आज इस टाइप का टिकट मिल रहा है, इस टाइप का ये टिकट देख रहे हैं ना, ये टिकट। तो हम लोग हावड़ा का ले लिए हैं रिटर्न टिकट, जाने का 15 रुपया और आने का 15 रुपया, 30 रुपया में टिकट ले लिए हैं इस टाइप का टिकट। और अभी ट्रेन आता ही होगा। आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश और धूप दोनों ही हो रहा है, और वहाँ पर 7 अजूबे के नाम से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही फेमस उस चीज़ को कराती है, तो उसको भी देखते हैं, चलते हैं। अभी ट्रेन आने का वेट करते हैं, ट्रेन अभी तक आया नहीं है। जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, आते हैं सामने का भी बैंडल स्टेशन है जिंदगी है। अभी हम लोग की बैंडल लावड़ा लोकल आ रही है 5 नंबर प्लेटफार्म पर, और जिस ट्रेन से हम लोग आए वो अभी कारसित जा रही है, देख सकते हैं पीछे जा रही है। तो अभी हम लोग हावड़ा में आ गए हैं, पूरा 1 घंटा 4 मिनट लगा हम लोग को बैंडल से हावड़ा आने में, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं स्टेशन से। और ये हावड़ा जो स्टेशन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है, 23 प्लेटफार्मों का, और इससे में कुल 25 पटरियाँ हैं, और इस साइड में जितना भी देख रहे हैं ये सब लोकल खड़ी है, और इसके ठीक उस साइड एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी आती जाती है। और आपको बाहर से जाकर इसका व्यू दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा स्टेशन है। ये इसका बाहर का व्यू है, बाहर से अभी बहुत ही आगे तक ये है, तो हम लोग उधर जाना नहीं है, पीछे ही जाना है। और आप सामने से देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज हम लोग का दिख रहा है, रविंद्रनाथ उनको अभी बस मिल गया, एक बस जीती वाला बस है, कोई है बस आगे जाएगा, बहुत सारा बस आगे लगा है, देख सकते हैं सारे बस निकलेंगे जब ये बस का टाइम आएगा, देखते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये विक्टो बंगला गेट है, कोलकाता का बहुत ही फेमस जगह है। और ये जो आप ऊपर में गोल कलर का देख रहे हैं, जो गोल का बना हुआ है, ये इसमें रेस्टोरेंट है, होटल्स भी है और रेस्टोरेंट भी है, ये कैसे बना है पूरा ऊपर, इसका भी आप लोग को ब्लॉग एक बार मिलेगा। अब ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ने के बाद चलेंगे हम लोग इको पार्क, तो अभी सामने वहाँ से ऑटो मिलेगा। अभी हम लोग इको पार्क आ चुके हैं और बस उतरे, तो वहाँ से ऑटो पकड़ के हैं आ चुके हैं, और बहुत ही बड़ा पार्क है, इतना बड़ा पार्क देखने से लग रहा है एयरपोर्ट टाइप का है। तो अभी हम लोग जाएंगे टिकट लेने, टिकट लेने के बाद देखते हैं टिकट कितने प्राइस का है, उसके बाद आप लोग को सब कुछ दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ATM की सब चीज़ की सुविधाएँ मिल जाएंगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ATM से भी यहाँ से उठा सकते हैं। और अभी सामने टिकट काउंटर है, वहाँ पर हम लोग जाकर टिकट कटाते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, टिकट 30 रुपये का मिला हम लोग को, और टिकट में एक स्कैनर टाइप का था जो कि गेट के पास आने पे उस टिकट में जो स्कैन करने वाला था उसको स्कैनर पे चिप रख कर, और रखने के बाद वो स्कैन जब किया तो गेट खुला, उसके बाद अंदर आए, उसके बाद वो टिकट ले लिया, टिकट वापस नहीं दिया, और अभी अंदर आ चुके हैं। ज़्यादा प्राइस का टिकट नहीं है, बहुत कम प्राइस का टिकट है। तो देख सकते हैं ये साइकिलिंग हो रही है, यहाँ पर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं भाड़ा पे साइकिल लेकर, जो कि वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, वो सब दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस अभी मेरे साथ कोई नहीं है, तो हम चलते हैं इस चाचा के साथ बैठने के लिए। चाचा
आ रहे हैं हम भी आपके साथ रहने के लिए। तो कैसे हैं चाचा, देख सकते हैं चाचा। और गाइस ये देख रहे हैं जो पता ऐसे चला जा रहा है, वो पूरा राउंडिंग करके उधर से घूम कर उधर से होते हुए पूरा इधर आ रहा है। बहुत ही बड़े जगह में, और आप इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। वो बीच में आप देख रहे हैं जो बोतल टाइप का, उसमें भी बोटिंग कर सकते हैं, वो भी एक बोटिंग है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये एक द्वीप है जहाँ पर आने वाला जगह है, जो कि आप यहाँ से बोट का टिकट कटाकर और वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी घूमने वाला जगह है। तो और इधर आपको ये आईफिल टावर दिख रहा है, आईफिल टावर, और उस साइड में कुछ म्यूजियम टाइप का है, पता नहीं क्या है उधर। और ये कुछ बैठने उठने की जगह है, बहुत ही अच्छी खासी बैठने वाली जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। फुल एसी सीट देख सकते हैं, कितनी मस्त सीटें हैं इसमें। नंबर वन से एंट्री लिए हैं और यहाँ पर पता नहीं कितना गेट है, गेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके बहुत सारा गेट है। मतलब मेरे हिसाब से शायद 15 तक इसमें गेट है, बट हम गेट नंबर वन से ढुके हैं, सबसे फर्स्ट वाले गेट से। इधर ही पास में गेट नंबर 2 भी था। आपको अभी डबल डेकर का बोट दिखाते हैं, डबल डेकर वाला बोट। ये जो घास देख रहे हैं कितना मस्त है, और इसी टाइप के यहाँ पर लाइन से आपको बोट मिल जाएंगे, और वहाँ इसका टिकट आपको वहाँ से सामने से मिल जाएगा। साइड चलते हैं, उस साइड जाकर सब गार्डन है, और यहाँ पर जितना भी पौधा है, जो पौधा है सबका नाम यहाँ पर दिया गया है, वाइट फ्रूट ट्री। और यहाँ पर भी देख सकते हैं सबका नाम दिया गया है, जो है पावर ग्रेनेट ट्री, ब्लैक फ्रूट ट्री, वहाँ पर जामुन का पेड़ है वो, ये देख सकते हैं पोमेलो ट्री जो कि नींबू है। और गाइस ये न्यू टाउन कोलकाता में स्थित एक शहरी पार्क है, जो कि देश का सबसे बड़ा पार्क है। ये परिकल्पना जुलाई 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई थी। 480 एकड़ 190 हेक्टेयर भूखंड में फैला हुआ है ये, जिसका खुलने का टाइम है दोपहर को 12 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक। यहाँ पर बहुत सारा ट्री है, बहुत सारा, और सब जितना भी पेड़ पौधे हैं सबके नाम दिए गए हैं, सबके नाम है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पेड़ ही पेड़ है बहुत सारा, और सबके नाम है। वहाँ पर कुछ काम पेंट हो चुका है, इस वाले में थोड़ा सा बाकी है अभी, और उस वाले में पूरा ही बाकी है। पेंट है तो इसके बगल में एक बोर्ड है जिस पे लिखा है डू नॉट टच योर रिलेस फाइन रुपेज 500। मतलब इसको इस टेलीफोन को टच करने से मना कर रहा है, बोला टच नहीं करने के लिए, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा। और नीचे बंगला में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सबसे मस्त चीज़ से मिलाता हूँ, सबसे अच्छे आदमी से मिलवाता हूँ, आदमी तो नहीं जानवर। क्या बोला तूने? दिखाने वाले थे वो, दिखाने जा रहे हैं, आप देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इको पार्क का पूरा मैप है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब पार्क सबका नाम दिया है, एफिल टावर, इको रिसोर्ट, एरिया डी, एक्सिबिलिटी, सन एरिया सी, जापानीज फॉरेस्ट, विवेक तीर्था, सब कुछ, म्यूजिकल फाउंटेन, मतलब सब कुछ के बारे में यहाँ पर दिया है। और अभी तो हम लोग कुछ नहीं घूमे हैं, सब आपको घुमाएंगे। और यहाँ पर आपको ये वाला दिखाते हैं पहले। तो गाइस ये क्या है, ये तो इसका नाम तो दिया नहीं, पता चल नहीं रहा है, बट सारे जगह आप देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रकार के चित्र हैं इस तरीके से, और नीचे ऐसे ऐसे पत्थर हैं, और इस प्रकार तरह के चित्र हैं, और इसका नाम नहीं दिया कि ये क्या चीज़ है। ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन है, वो टॉय बस था, और ये टॉय ट्रेन है। इसका स्टेशन का नाम आपको दिखाते हैं, क्या नाम है, घूम, स्टेशन का नाम घूम है, देख सकते हैं। ट्रेन में आप घूम नहीं सकते हैं, ये ट्रेन बस शो के लिए है, और मतलब हम उधर से घूम, इतना सारा घूम कर आए, अभी इधर भी बहुत कुछ है,
क्योंकि आपको अभी दिखाया नहीं है, अभी इसको भी आपको दिखाते हैं लवला कुछ है। बट यहाँ पर एक चैलेंज भी दिया गया है कि फॉर चिल्ड्रेन ओनली अप टू 10 ईयर्स, मतलब बस बच्चे 10 साल के बच्चे ही इस झूला पे झूल सकते हैं अपने। और यहाँ का एक चीज़ सबसे बढ़िया हमको लगा वो है मेंटेनेंस। यहाँ का जो मेंटेनेंस है बहुत ही अच्छा खासा मेंटेनेंस है, बहुत ही अच्छा है, मतलब हर जगह साफ़ सुथरा और सब कुछ क्लियर टाइप का है। मतलब कोई भी जगह किसी चीज़ से मतलब गंदा वंदा कुछ किया गया नहीं है, पूरा मेंटेनेंस के साथ है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारा और ये जल परी यहाँ पर भी साइकिलिंग का स्टोर है गेट नंबर 4। तो गाइस ये हेलिक्योनिया गार्डन है, इसके अंदर भी चलते हैं देखते हैं कैसा है ये। तो गाइस ये भी गार्डन अच्छा ही खासा है, ये भी गार्डन अच्छा ही खासा है। सामने देख सकते हैं ये वाला सामने वाला व्यू बहुत ही बढ़िया है सकते हैं। बट इस पे गाइस हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका रास्ता वहाँ से बंद है, तो इस पे नहीं जा सकते हैं। तो इधर से घूम के उधर उस साइड से निकलते हैं। का एंट्री फीस 30 रुपया है और इसके अंदर आने के बाद आप जो जो चीज़ यूज़ करेंगे उसके लिए आपको उसका अमाउंट देना पड़ेगा। बाकी बात इस पार्क में बस आपको घूमने के लिए इस पार्क का एंट्री फीस 30 रुपया है। आप 30 रुपये में इस पार्क पूरे पार्क को घूम सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पता है क्या है, ये एक सोलर से बना हुआ डोम है जो कि सोलर से बना हुआ है। इसमें जितना भी आपको ये शीशे टाइप का है वो सारा का सारा सोलर पैनल है सोलर। और अभी ये बन रहा है, पता नहीं इसमें अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी कोई को पता नहीं है। तो अभी ये बन रहा है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड फोर सोलर डोम लिखा है। तो ये पूरा सोलर से बना हुआ एक डोम है, पता नहीं कब इसका उद्घाटन होगा। बट तो पूरा पानी तैयार हो चुका है, जब भी इसका उद्घाटन एक बार दिखाएंगे कि क्या चीज़ है इसके अंदर क्या है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देख रहे हैं इसको कितने मस्त तरीके से बनाया गया है, पीकॉक है मोर जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी है। गार्डन है का नाम क्या है, स्लिपचर गार्डन ऑन हिस्ट्री ऑफ बंगाल। तो इसमें भी हम लोग चलते हैं देखते हैं कैसा है। और जितना भी गार्डन देख रहे हैं बहुत ही अच्छा खासा गार्डन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जाने के बाद उसमें। चढ़ने का जगह है बहुत ही अच्छा खासा। और इधर बहुत बड़ा मार्ट है, बहुत बड़ा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ये वाटर एटीएम है, यहाँ पर आप पैसा डालेंगे तो आपको पानी मिलेगा। बट हमको पानी लेना नहीं, पैसा डालेंगे नहीं, आपसे बर्बाद कर देंगे। और वो
वो जो आप सामने देख रहे हैं पानी में जो है वो वाटरफॉल्स है रात के समय, उसमें लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छा वाटरफॉल्स होता है। और यह ईको पार्क का ऑफिस है और यहाँ पर हर जगह पर फूड अवेलेबल है, फूड एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल है हर जगह पर। आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे आपको फूड रेस्टोरेंट अवेलेबल मिल जाएंगे, हर जगह पर टॉयलेट और वॉशरूम भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ इसमें अवेलेबल है इस पार्क में। ये वाटरफॉल्स है जो रात के समय आपको दिखेगा और इसका लास्ट टाइम है बंद होने का 7:30 बजे, जो कि 7:30 बजे बंद हो जाएगा। और इधर मिस्ट गार्डन है और आपको हर जगह सब चीज़ का बोर्ड मिल जाएगा, कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है। शौचालय देख सकते हैं और अगर आप पैदल नहीं घूम सकते इस पार्क को तो आप यहाँ पर साइकिलिंग और इस टॉय ट्रेन और ये गाड़ी भी आपको घुमा सकती है। तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, इतना चार्ज लगेगा, ये आपको पूरा पार्क घुमा देगा। और इस सब चीज़ से भी आपको घूमने के लिए 15 से 30 मिनट आधा घंटा लग रहा है इस पार्क को घूमने के लिए, जबकि गाड़ी से आप घूम रहे हैं। और सामने का ये वाटरफॉल्स देखिए कितना मस्त लग रहा है, सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं तो हम भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं वहाँ पर चलकर। गाइस हम लोग का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आपको ताता जुआ देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात, अभी भी हम आधा ही पार्क घूमे हैं, पूरा पार्क नहीं घूम पाए, और जबकि 7 वंडर्स को छोड़कर, 7 अजूबे को छोड़कर अभी भी आधा ही पार्क घूम पाए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो 7 वंडर्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।